बिहार के पाकुड़ से खबर है, जहां एक गर्भवती महिला राशन नहीं मिलने से परेशान है और उसके परिवार के सामने खाने की परेशानी खड़ी हो गई है। महिला के मुताबिक उसके परिवार में बुजुर्ग और 3 छोटे बच्चे भी हैं और पति का काम भी लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है। वहीं राशन कार्ड नहीं होने की वजह से महिला को राशन नहीं मिल रहा है और लॉकडाउन की वजह से उसकी सुनवाई भी नहीं हो पा रही है। परिवार छोटा बाल बच्चा है भैया, ये कुछ 5 किलो दे दीजिए गेहूँ, ज्यादा नहीं, 5 किलो। वो भी बोला नहीं, हमको नराठी पर छुरी चला दीजिए, ऐसे ही बोला जाए। हम कुछ बोले नहीं यार, तब दोबारा हम कुछ बोले कि तो फिर भी बोले कि साथ तो घूमने के भैया जाके हमको 5 किलो गेहूँ दे दो, ज्यादा नहीं। फिर भी बोला कि नहीं नहीं होगा। बिहार की कटिहार से खबर, जहाँ एक सरकारी राशन की दुकान से मुफ्त राशन न मिलने पर लोगों ने जमकर हंगामा किया। रौतारा इलाके में रहने वाले इन लोगों का आरोप है कि दुकानदार उन्हें राशन नहीं देता और राशन मांगने पर उसके गुंडे मारपीट भी करते हैं। इससे गुस्साए लोगों ने आज राशन की दुकान चलाने वाले आदमी के खिलाफ मोर्चा खोला। हालांकि बीच बचाव करने के लिए मौके पर पुलिस पहुंच गई, लेकिन लोगों का आरोप है कि दुकानदार ने उन पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगाने की कोशिश की। इस पूरे हंगामे के दौरान लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी।